जी, तो मैंने आपको ये चीज पहले ही कही थी, क्या कहा था मैम कि हम बात करेंगे कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर। तो प्रीवियस वीडियो जो मेरा था उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि कम्युनिकेशन स्किल्स के चार पिलर होते हैं। एक होता है पीपल, होता है आपका मैसेज, एक होता है मैसेज का कॉन्टेक्स्ट, और एक होता है आपका क्या इफेक्टिव लिसनिंग। तो यहाँ हम जो बात करने वाले हैं, बात करने वाले हैं पीपल के बारे में। तो दिस वीडियो इज ऑल अबाउट पीपल। जब भी आप कम्युनिकेट करते हैं तो रूल नंबर वन फॉर द कम्युनिकेशन इज, आप किस पर्सन से कम्युनिकेट कर रहे हैं आपको सोचना पड़ेगा। सपोज मैं मेरी फ्रेंड से कम्युनिकेट कर रही हूँ, आई नो दैट पर्सन वेरी वेल एंड दैट पर्सन इज वेरी क्लोज टू मी, एंड हम एक दूसरे को बिल्कुल जज नहीं करने वाले बिकॉज वी नो द बिहेवियर वेरी वेल। तो सपोज करो मुझे कुछ काम है मेरी फ्रेंड से, या फिर हम सपोज करो कलीग्स हैं, मैं एक एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड मैसेज क्या कर सकती हूँ उसको सेंड कर सकती हूँ जिसमें प्लीज कैन आई नो दैट, मे आई नो दैट, ये सब की जरूरत नहीं। बट अगर किसी ऐसे पर्सन को मैं क्या कर रही हूँ, मैसेज सेंड कर रही हूँ, जो पर्सन मैं जानती तो हूँ बट मेरे लिए इतना क्लोज नहीं है, या फिर हमारे टर्म्स अभी इतने अच्छे नहीं हुए हैं, अगर यही स्ट्रेट फॉरवर्ड मैसेज उस पर्सन को लिख के दूंगी तो इट विल साउंड कि आई एम बॉसी, आई एम एरोगेंट। फॉर एन एग्जाम्पल सपोज करो मुझे किसी ने कहा है कि मुझे सपोज करो हायर किया गया और मुझे क्या कहा गया है, मुझे कहा गया है कि आप 1st of September से हमारे यहाँ काम कर सकते हैं, मुझे 1st of September से क्या वर्क प्रोवाइड कर दिया जाएगा। एंड फॉर एन एग्जाम्पल 1st September हो गई, 2nd September हो गया, 3rd हो गया, 4th हो गया, आई एम वेटिंग कि मुझे तो काम प्रोवाइड हो ही नहीं रहा। अगर मेरी फ्रेंड है, सपोज करो वो जो पर्सन है जिसके लिए मैं काम करने जा रही हूँ, शी इज माई फ्रेंड, मैं डायरेक्टली पूछूंगी यार ऑलरेडी 3rd of September, मुझे काम कब मिलेगा बताना, आर यू गेटिंग, एक रॉ लैंग्वेज मेरी चल सकती है। बट अगर मैं किसी सीनियोरिटी फैक्टर के इंसान से बात कर रही हूँ, या वो इंसान से बात कर रही हूँ जो बिल्कुल भी फ्रेंडली नहीं है, अगर मैं इतना डायरेक्ट मैसेज सामने वाले को लिखूंगी 5th of September वेर इज माई वर्क एंड वुड यू गिव मी माई वर्क, whatever it is, it will sound you are arrogant. आप arrogant sound करेंगे. Instead of this, आपको क्या लिखना चाहिए? As discussed earlier, we were about to work together from blah blah date, जो भी date है. May I know if there is any change in the plan? हम ये simple सा, proper सा, छोटा सा message है जिसके through respect भी देख रही है कि सामने वाले का आप respect दे रहे हैं. आप जानना चाह रहे हैं कहीं कोई प्लान में चेंज तो नहीं हुआ है. तो दिस इज सॉफ्ट स्पीकिंग प्रोफेशनल स्किल्स. इंग्लिश सबको आती है बट द वे यू प्रेजेंट, द वे यू कम्युनिकेट, दैट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट. तो पीपल के लिए आपको 3 रूल याद रखने हैं. सबसे पहले आप क्या करें, जो भी मैसेज हो, वॉट एवर इज द चैनल ऑफ योर कम्युनिकेशन, आपको सोचना होगा प्रॉपरली आपके मैसेज को क्या करना होगा, ढंग से सोचना होगा, मतलब बार बार एडिट करो जब तक एक प्रॉपर मैसेज ना दिखे, क्योंकि फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन. यू कैन नॉट इम्प्रेस समबडी अगर वो आपको एरोगेंट समझ रहा है तो आपके साथ काम करना बिल्कुल पसंद नहीं करने वाला. सेकेंड थिंग, आपके मैसेज में सामने वाले के लिए रिस्पेक्ट दिखनी चाहिए. एंड थर्ड थिंग इज, मैं अभी कोई मैसेज लिख रही हूँ तो मेरा मैसेज लिखने का तरीका ऐसा होना चाहिए कि सामने वाला पढ़ के मुझे रिप्लाई करे एंड फाइनली हम हमारा काम स्टार्ट कर पाए. वॉट एवर इट इज, कम्युनिकेशन जो भी हो, आप जिस चीज को कन्वे करना चाह रहे हैं, आप जो चीज को सामने वाले को समझाना चाह रहे हैं, योर मैसेज शुड बी, इतना इंफॉर्मेशन भी नहीं देना, इतना शॉर्ट भी नहीं रखना, बहुत डायरेक्ट भी नहीं होना, बट एक प्रॉपर मैसेज जिसमें आप सामने वाले की प्राइवेट स्पेस को रिस्पेक्ट देते हुए ये पूछना चाह रहे हैं कि अगर कोई प्लान में चेंज है तो क्यों है. देयर कुड बी एन नंबर ऑफ एग्जांपल्स जहां पे आपको ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं. फर्स्ट थिंक ऑफ द पीपल, सेकंड द वे यू मैसेज, एंड द मैसेज शुड आप एडिट करो प्रॉपरली, थिंक ऑफ इट फर्स्ट थिंग. सेकेंड, रिस्पेक्ट दिखनी चाहिए आपके मैसेज में कि सामने वाले को आप रिस्पेक्ट देते हुए ये मैसेज लिख रहे हैं. एंड थर्ड थिंग, आपका मैसेज ऐसा होना चाहिए कि जो आप चाहते हैं वो कन्वे हो. लेकिन एक चीज इसमें मैं ऐड ऑन करना चाहूंगी, अगर आप किसी ऐसे बंदे से कम्युनिकेट कर रहे हैं जहां पे आपकी बनती नहीं है, आपको पता है कि आप कुछ भी करेंगे सामने वाला शायद आपकी बातों को नहीं समझने वाला है,
तो अपने कम्युनिकेशन और अपने मैसेज को जितना कम और टू द पॉइंट रखेंगे उतना अच्छा है, आप ज्यादा एक्सप्लेनेशन में इन्वॉल्व ना हो। तो दिस इज सी अंकिता अरोरा नायडू फॉर दिस वीडियो ऑन कम्युनिकेशन। दिस इज माई फर्स्ट वीडियो ऑन द कम्युनिकेशन, सेकेंड वी विल टॉक अबाउट मैसेज। बाय बाय।